हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय नेम इज मिस्टर कैंग। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि मार्केट अब आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। दोस्तों, हाल ही में अभी जस्ट 1 से 2 घंटे में बिटकॉइन का प्राइस लगभग 2000 से 3000 डॉलर डाउन आ चुका है। अभी आप यहां पे देख सकते हैं बिटकॉइन का प्राइस कंटिन्यू यहां पे डाउन आ रहा है। मैं 15 मिनट के ग्राफ की अगर बात करूं तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस 59,000 से धीरे धीरे करके अभी 54,400 डॉलर तक भी आ चुका था। तो चलिए दोस्तों, आज इसी के बारे में हम बात करते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस 29 नवंबर को जो न्यूज आने वाली है उस तक पहुंचते पहुंचते कहां तक जा सकता है। क्योंकि जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है, बिटकॉइन का प्राइस दोस्तों अभी 29 तारीख तक अभी और डाउन जाएगा, और ये अगर डाउन जाता है तो कहां तक जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूँ बिटकॉइन के प्राइस के बारे में, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि एक सपोर्ट है यहाँ पे बिटकॉइन का, काफ़ी अच्छा ये सपोर्ट है, और ये सपोर्ट दिख रहा है आपको 48,895 डॉलर का। यानी कि 29 नवंबर तक ऐसा हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस 48,800 डॉलर तक चला जाए। तो जितने भी लोग यहाँ पे क्रिप्टो में निवेश किए हुए हैं, अगर आप सभी लोगों ने ज़्यादा ही निवेश किया हुआ है तो आप सभी लोग अपना कुछ अमाउंट अभी यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। क्योंकि मार्केट में अगर कोई भी न्यूज आती है तो आपको पता है कि इतनी ज़्यादा पैनिक सेलिंग होती है उस टाइम पे, और उस टाइम पे अगर आप सेल करते हो तो आपको बहुत बड़ा लॉस होता है। क्योंकि पैनिक सेलिंग में आपको कभी भी अपना फंड सेल नहीं करना चाहिए, या तो आप उससे पहले ही मार्केट से एग्जिट हो जाओ, या फिर पैनिक सेलिंग के बाद जैसे ही मार्केट स्टेबल होती है उस टाइम एग्जिट हो जाओ। मैंने अभी 2 से 3 दिन पहले जब मार्केट पैनिक हुई थी परसों, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि पैनिक सेलिंग में कोई भी सेल ना करें, मार्केट 2 दिन के अंदर फिर से स्टेबल होगी। और ठीक हुआ भी वैसा ही, जैसे कि लोगों ने यहाँ पर अपना जो फंड वहाँ पर जिन लोगों ने भी होल्ड किया उनको दोबारा से उनका पैसा जो है रिकवर हो गया। जितना मार्केट गिरी थी ठीक लगभग उतना ही मार्केट फिर से ऊपर आई, और वहाँ पे लोगों का जो लॉस था वो रिकवर हो गया। लेकिन जिन लोगों ने उस टाइम पे सेल कर दिया उनको काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ा, और वही लोग दोबारा से भी यहाँ पे जब मार्केट रिकवर हुई तो दोबारा से उन्होंने बाई किया, और फिर से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि अब मार्केट यहाँ पे आप देख रहे हो कि काफ़ी डाउन जाती हुई दिख रही है। तो जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, मार्केट जो जाएगी वो, अगर मार्केट आप देख सकते हैं कि 53,000 डॉलर से नीचे मार्केट जाती है, या 53,500-600 डॉलर से नीचे अगर मार्केट जाती है, तो फिर ये रुकती है मेरे हिसाब से 48,800 डॉलर पे। जो कि अगर इतना प्राइस अगर BTC का गिरता है तो बाकी की जो क्रिप्टो करेंसियाँ हैं वो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गिर सकती हैं। क्योंकि BTC का प्राइस अगर 5% भी गिरता है तो बाकी की क्रिप्टो करेंसी का प्राइस, जो भी हमारे ऑल्ट कॉइन्स हैं या फिर जो भी हमारे मीम कॉइन्स हैं, सभी में ही अभी आपको 15-20% की गिरावट आराम से देखने को मिल जाएगी। और 29 तारीख तक मैं सभी से यही कहूँगा कि अगर आप अभी प्रॉफिट में हैं तो मार्केट से एग्जिट ज़रूर हो जाएं, और 29 तारीख के बाद ही आप डिसाइड करें कि मार्केट में आपको रहना है या फिर नहीं रहना है। लेकिन जिन लोगों ने ऐसे कॉइन्स को परचेज़ किया हुआ है जो काफ़ी डाउन चल रहे हैं और काफ़ी वो उसमें लॉस में भी हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद वो कॉइन भी रिकवर हो सकते हैं। बाकी सारा कुछ डिपेंड करेगा कि क्रिप्टो का जो बिल आने वाला है 29 नवंबर को वो पेश होता है, अगर उसमें कोई भी पॉजिटिव न्यूज होती है तो मार्केट फिर से रिकवर होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से रिकवर होगी। लेकिन अगर उसमें कोई भी नेगेटिव न्यूज होती है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो सकता है, और मार्केट मेरे हिसाब से 10,000 डॉलर तक भी माइनस में जा सकती है। यानी कि 55,000 डॉलर का अभी प्राइस BTC का चल रहा है, और 10,000 डॉलर अगर और माइनस में जाती है तो 45 के समथिंग भी डॉलर का प्राइस आ सकता है।
बाकी यही आज का अपडेट है। तो जितने भी लोग क्रिप्टो करेंसी में अपना पैसा, मोटा पैसा लगाए हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि उनको शॉर्ट टाइम में ही काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो जाए, तो शॉर्ट टाइम के लिए तो आप अभी 10 दिन के अंदर आप इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि मार्केट का सिचुएशन अभी बहुत ख़राब है और मेरे हिसाब से 29 तारीख आने से पहले ही मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना फंड जो है वहाँ से एग्जिट करने वाले हैं। अगर आप देखेंगे तो 28 तारीख के बाद ही मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाएगी, और 29 तारीख को अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट 29 तारीख को ऊपर जाएगी, लेकिन अगर थोड़ी सी भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट में पैनिक सेलिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा और लोग अपना फंड बाहर करेंगे ही करेंगे, तो उस टाइम पे मार्केट 15-20% डाउन जाएगी ही जाएगी। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये अपडेट अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी ही और भी अपडेट चाहिए तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आप सभी लोगों को आने वाली लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। आप लोग BTC का ध्यान जरूर रखना, अगर BTC $53,000 के नीचे पहुंचता है तो ये $48,000 तक भी जा सकता है डाउन में, तो इस बात का आप सभी लोग ध्यान जरूर रखें। तो BTC पे नज़र जरूर बना के रखें, बाकी मार्केट का क्या रुख रहेगा इसके बारे में हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।